हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉगर एडसेंस अप्रूवल सीरीज़ के पार्ट फोर में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर पर एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए आपको कौन से पेज रिक्वायर्ड रहेंगे और वो पेज है वो आप कैसे बनाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं ब्लॉगर पर एडसेंस का अप्रूवल लेना तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू वॉच करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ यहां पर आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि आने वाले न्यू वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों बिना कोई बकवास के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने हमारी जो ये वेबसाइट है वो यहाँ तक बनाई थी और यहाँ तक बनाने की जो प्रोसेस है वो मैंने तीन पार्ट में आपको बताई है। लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर ये वाला पब्लिश किया था, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको तीनों वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ तक की प्रोसेस है वो वहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे की प्रोसेस करने वाले हैं आज के वीडियो में, यानी कि हम ब्लॉगर पर एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए जो रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं तो वो बनाना यहाँ पर सीखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि टोटल यहाँ पर तीन पेज रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला है अबाउट अस पेज, दूसरा पेज है वो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज और तीसरा पेज है वो है कॉन्टेक्ट अस पेज। तो दोस्तों ये तीनों पेज है वो ब्लॉगर पर एडसेंस का अप्रूवल अगर आपको लेना है तो आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये पेज है वो आप कैसे बनाएंगे, कैसे आपको पब्लिश करना है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अबाउट अस पेज, तो मैं यहाँ पर आपको लाइव अपना अबाउट अस पेज है वो दिखा देता हूँ क्रिएट करके। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, अबाउट अस पेज यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपना पहला पेज है वो पब्लिश कर देता हूँ, तो उसका नेम यहाँ पर आपको दे देना है अबाउट अस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना पेज है उसके बारे में लिखना है, यानी कि अपनी वेबसाइट के बारे में आपको लिखना है। मैंने सारे पेज ऑलरेडी बना रखे हैं तो मैं यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको ये पेजेस चाहिए तो आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ये पेज आपको पूरे कॉपी नहीं करने हैं, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के हिसाब से अपने पेज रखने हैं तो आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डेमो देखकर इनको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहां पर बता दूं कि आप यहां पर गूगल कीप नोट्स में लिखते हैं तो एक फ़ायदा आपको ये रहता है कि जब भी आप यहां पर लिखोगे तो जो भी फॉर्मेट होता है आपने कॉपी जहां से किया है वो यहां से रिमूव हो जाता है, मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया है। तो ये आपको बेनिफिट यहां पर रहता है कि आपके सारे यहाँ पर फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर दूसरी यहाँ पर जब आप पेस्ट करते हैं तब एक ऑप्शन मिलता है पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट, वो करेंगे तो भी आपका फॉर्मेट सारा रिमूव हो जाएगा, तो ये चीज़ अच्छी है, इसलिए मैं कीप्स नोट का यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह आपको अपना पेज बना लेना है अपनी वेबसाइट के बारे में। और दोस्तों ये पेज खास आपका यूनिक होना चाहिए क्योंकि ये आपकी वेबसाइट के बारे में है, और तो आपको इसमें लिखना है जो भी एक पैराग्राफ लिखे दो पैराग्राफ लिखे पर बिल्कुल यूनिक लिखे। और अगर आपको कुछ नहीं लिखना है तो आप अपने बारे में थोड़ा सा लिख देंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका पेज है वो इतना बड़ा या फिर छोटा होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिफ़ॉल्ट है उसको आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है उसको अनटिक कर देना है, और यहाँ पर आपको ओल्ड और न्यूड अप नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका पेज है वो वेबमास्टर टूल में, यानी कि जब आप साइट मैप सबमिट करेंगे तो गूगल में इंडेक्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रीडर कमेंट्स, अगर आपको अपने पेजेस में कमेंट ऑफ रखने हैं तो डोंट अलाउ और हाइड एक्साइटिंग आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको अपना पेज है वो पब्लिश कर देना है। तो आपका पहला पेज यानी कि अबाउट अस पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है और वो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला पेज और इंपॉर्टेंट पेज यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा पेज है वो यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता देता हूँ। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण अगर हम बोले तो ये पेज है, क्योंकि इसके बिना आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, और इस पेज में अगर आपने कोई गड़बड़ की तो आपको एरर आ सकता है पॉलिसी वायोलेशन का। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इस पेज में मैं जो चीज़ें आपको सिखाऊँ वो आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज होता है ये एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये जो पेज है वो यहाँ पर कॉपी मैंने लिख कर रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको
थोड़ा सही से बना देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हेडिंग और सब हेडिंग आपको देने ज़रूरी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि अपनी जो वेबसाइट है उसमें ये सारी पैसे और हेडिंग सब हेडिंग है वो नहीं देते हैं, उसके कारण भी उन्हें कई बार एडसेंस में पॉलिसी वायलेशन का एरर आता है। तो उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये जितने भी स्पेस है वो आपको सारी रिमूव कर देनी है, और जितने भी आपने यहाँ पर हेडिंग डाले हैं उनको दे देना है अच्छे से। तो हेडिंग सब हेडिंग कैसे देते हैं वो भी आपको पता है। जब भी आप कोई पोस्ट लिखते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर मेजर हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, माइनर हेडिंग सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको अपना जो पोस्ट का टाइटल होता है उसको हेडिंग रखना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको पोस्ट कैसे लिखनी है, अभी तो मैं यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड पेजेस के बारे में सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सब हेडिंग दे देने हैं, जो यहाँ पर सब हेडिंग है वो। दोस्तों अब यहाँ पर जितने भी मैं सब हेडिंग दे रहा हूँ वो आप खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना रहे होंगे तो आपको इनमें चेंजेस बिल्कुल नहीं करना है, ये सभी के सभी आपके सेम रहने चाहिए। क्योंकि ये जो हेडिंग है यानी कि ये फॉर्मेट है कि पॉलिसी पेज कैसे बनता है उसका फॉर्मेट है, इन हेडिंग के नीचे आपको जो भी चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया है या फिर जीमेल दिया है, तो यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट अस पेज भी दे सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर ऑल राइट रिजर्व है, वहाँ पर भी आप अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये चिल्ड्रंस पॉलिसी और गूगल एडसेंस का हेडिंग तो रखना ही रखना है, वरना आपको एडसेंस में गूगल यहाँ पर आपको पॉलिसी वायलेशन का एरर दे देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ये एरर ना आए इसलिए आपको सभी ये सब हेडिंग है वो सेम रखने हैं। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये टर्म्स एंड कंडीशन, ऑल राइट रिजर्व और कॉन्टेक्ट अस, ये सभी सेम रहने चाहिए। इसके बीच में आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेज है दोस्तों, आप इसी तरह बनाना है। उसके बाद वापस जो हमने किया था वही आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ऑल और नोडअप यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसकी कमेंट है वो ऑफ़ कर देंगे, और हमारा ये जो पेज है वो पब्लिश हो गया है। दोस्तों एक बात और बता दूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है वो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर आते हैं कई सारे, आप सभी को पता है, उसमें जाके जनरेट करते हैं। तो उनको भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर बहुत सारे फ्री में आपको मिल जाएंगे, सिर्फ आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट में आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज आप जनरेट कर पाओगे, वो भी फ्री में। पर एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल जल्दी लेना है और आपको बार बार प्राइवेसी पॉलिसी का एरर फेस नहीं करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपना पेज है उसको यहाँ पर यूनिक ही बनाए, मैंने जो मेथड बताई है उससे बनाए। कई लोग कहेंगे कि उसमें एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, हाँ तो भाई दोनों में एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको जल्दी मिलेगा ये मेरी गारंटी है। अगर आपके पेज भी यूनिक हो गए कंटेंट के साथ तो आपको एडसेंस का अप्रूवल वो डेफिनेटली एक बार में मिल जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना कंटेंट है वो किंग है, और कंटेंट को ही आप पकड़ के चले और कंटेंट अपना सही रखे तो आपको कभी भी एडसेंस अप्रूवल में दिक्कत आने वाली नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों पेज बन गए हैं, और अब हम तीसरा और इम्पोर्टेंट पेज यानी कि कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि कॉन्टेक्ट कोई हमारी वेबसाइट में अगर आता है तो हमसे कैसे करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस पेज है वो बनाएंगे दोस्तों। तो आपको सबसे पहले टाइटल देना है कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट में जाना है, ईमेल में फॉर्म, जी हाँ दोस्तों उसमें जाकर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पर ईमेल फॉर्म बनाने वाले हैं कॉन्टेक्ट अस के लिए। तो आपको ये पेज कैसे बनाना है वो आप देख लीजिए। तो emailmeform.com आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी इसको यहां पर बना सकते हैं, और डायरेक्ट वेबसाइट आप विज़िट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों यहां पर ये वेबसाइट है emailmeform, ये फ्री वेबसाइट है, और यहां पर आप अपना जो कोई भी है कॉन्टेक्ट अस पेज वो फ्री में बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहे गूगल फॉर्म के थ्रू बनाना तो गूगल फॉर्म के थ्रू भी आप अपना पेज है वो बना सकते हैं। तो आपको साइन अप विद गूगल करना है, और उसके बाद अपनी वेब जो आईडी है उसके थ्रू आपको साइन इन कर लेना है, तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाएगा। मैंने यहाँ पर अपनी आईडी ऑलरेडी साइन इन करके रखी है, तो मेरा डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि कॉन्टेक्ट अस पेज है वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेप्ट ऑल आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीप इट फॉर नाउ आपको कर देना है। हम ये सारी चीज़ें वो बाद में भी सेट कर सकते हैं, हमें अभी सिर्फ पेज बनाना है, और उसके लिए हमें HTML कोड चाहिए बनाने के बाद, तो हमें दूसरी कोई चीज़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको सैंपल फॉर्म कॉन्टेक्ट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, उससे पहले आपको थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे
तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है, तो एडिट पर आपको सिंपली क्लिक करके इसको एडिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे पहला टाइटल है, तो यहाँ पर आपको सारा टाइटल है वो यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू शो होगा, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें हटा कर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर आप नेम रखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका जो है फॉर्म का टाइटल वो कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पर दे देता हूँ, अगर आप चाहे तो कॉन्टेक्ट अस भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, उसमें आपको अपनी वेबसाइट का नेम दे देना है। तो मैं यहाँ पर लाइव हिंदी टिप्स मेरी वेबसाइट का नेम है तो वो यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरीके का इसका प्रीव्यू आपको शो होगा, उसके बाद आपको नेम पर जाना है और उसको कर देना है रिक्वायर्ड, यानी कि जब तक कोई नेम फिलअप नहीं करेगा तब तक वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट नहीं पर कर पाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल है उसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर कंपनी है उसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि सभी के पास नहीं होती। उसके बाद हम यहाँ पर फालतू की इन्फॉर्मेशन सभी हटा देंगे, फ़ोन नंबर भी कोई नहीं डालता है। उसके बाद सेल फोन है वो भी हम यहाँ पर हटा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन है, उसमें भी आपको रिक्वायर्ड करना है, नहीं तो कोई आपको ब्लैंक यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चअप का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नन का, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो कैप्चा है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो पूरी तरीके से बन चुका है। उसके बाद आपको सेव फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई ईमेल नोटिफिकेशन फॉर दिस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट करना है, हमें कोड कॉपी करना है सिर्फ डालने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको चेक करना है आपका जो मेल है वही है या फिर दूसरा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ से डाल देना है, जिससे आपने लॉगिन किया होगा वो ही यहाँ पर होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। तो उसके पहले आपको इसको हटा देना है और यहाँ पर आपको सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेयर के बाद आपको ये फॉर्म है उसका लिंक मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर फुल पेज का यहाँ पर कॉपी करना है, तो फुल कोड यहाँ पर हम कॉपी करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये कोड मिलता है, तो ये कोड है यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, तो ये नहीं, यहाँ पर आपको फुल कोड में क्लिक करना है और यहाँ से आपको HTML CSS और JS यानी कि जावा वाला आपको सबसे पहला कॉपी कर लेना है। अब दोस्तों सिंपली आपको चले आना है कॉन्टेक्ट अस पेज में और यहाँ पर आपको HTML व्यू में जाना है, कंपोज व्यू में आपको नहीं जाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी शायद ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद इसको पूरा हटा देना है और हमने जो कोड कॉपी किया है उसको यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। उसके बाद वापस यहाँ पर आपको कंपोज व्यू में जाना है, तो आपका जो फॉर्म था वो यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों आपको इसको थोड़ा डिज़ाइन करना है, यानी कि ये अच्छे से दिखे उसके लिए आपको थोड़ा इसमें डिज़ाइन करना है। तो नीचे यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लाइन दी जाती है उसको रिमूव करना है, नीचे जो लिखा है पावर्ड बाय उसको भी आपको हटा देना है क्योंकि ये फालतू की चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं रखनी है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें हटा दी है और हमारी वेबसाइट का यहाँ पर हमें नेम दे देना है, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वो इस तरह से बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, जो चाहे वो अपनी तरीके से कलर दे सकते हैं, मैं यहाँ पर टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर देता हूँ, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट अस पेज है वो थोड़ा अच्छा सा दिखे, इसलिए मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो इसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इसकी फॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा यानी कि लार्ज कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब दोस्तों इसका कलर है वो भी आप अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उसके बाद आपको ये जो चीज़ है उसको भी थोड़ा लार्ज है उसको भी मीडियम यहाँ पर कर देना है और इसके बाद हम इसका भी कलर है वो चेंज कर देते हैं और उसके बाद हम एक बार प्रीव्यू करके देखेंगे कि हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज है वो किस प्रकार से दिखेगा और उसके बाद ही हम इसको पब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये पेज है वो प्रीव्यू कर लिया है और अभी हमारा पेज है वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिख रहा है, ये लाइव हिंदी टिप्स सही से नहीं दिख रहा, तो हम इसको यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पेज से वो तीनों बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो चेंज करके ब्लू रख देता हूँ ताकि वो अच्छा सा दिखे। तो यहाँ पर मैं इसको प्रीव्यू कर लेता हूँ वापस से और हमारा पेज है वो किस प्रकार से दिख रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा पेज है वो कम्प्लीटली शो हो रहा है और हमने जो चीज़ें की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पर
लाइव हिंदी टिप्स आपने लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है, उसमें अगर मैं चाहूँ तो लिंक लगा सकता हूँ ताकि उस पर कोई क्लिक करे तो वो वापस मेरी वेबसाइट में आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना कॉन्टैक्ट अस पेज है वो बनाना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल और नोडअप सिलेक्ट करना है ताकि आपका पेज है वो गूगल में शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसमें कमेंट ऑफ़ कर देते हैं, तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन हमने ऑफ़ कर दिया है। और दोस्तों आपको लास्ट में पब्लिश करना नहीं भूलना है, पब्लिश होने के बाद ही आपको लिंक मिलती है, या आपको पता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों रिक्वायर्ड पेज है वो पब्लिश हो चुके हैं दोस्तों। तो अभी आपके तीनों पेज बन चुके हैं। अब आपको एडिशंस अप्रूवल में जब भी जाएंगे तो आपको ये तीनों पेज है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। इन पेज की लिंक को आपको कैसे थीम में लगाना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप थीम कौन सा यूज़ करेंगे, उसको कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, सारे पेज अच्छे से बना लीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बना दूँ, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन पेज, दोनों पेज है वो कई सारे लोग यूज़ करते हैं, तो क्या ये रिक्वायर्ड होते हैं? तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये पेज बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, इन तीनों में आपको एडिशंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो अगर आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आप जनरेट करके डालोगे तो भी एडिशंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, मैंने बना कर रखे हैं तो मैं डाल दूंगा। मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा सारे पेजेस की, जो पेज आपको लेना है, जिसका भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसका आपका फॉर्मेट यानी कि ये जो सब हेडिंग है वो आपको सेम रहना चाहिए, उसके नीचे जो आप चाहे वो लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपने एडिशंस अप्रूवल के लिए जो रिक्वायर्ड पेज है वो बनाने ही बनाने हैं, उसके बाद जाकर ही आपको एडिशंस का अप्रूवल है वो मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ये पेज डाउनलोड कर लें। और साथ में मैंने जो ईमेल अस पेज बनाया यानी कि कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया, उसकी जो वेबसाइट है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।